हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हम आज के लेक्चर में दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहले हम लेबलिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल सिस्टम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहला टॉपिक है हमारा लेबलिंग। अगर प्रिंसिपल की बात करें लेबलिंग की, सो द लेबलिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट विच इंक्लूड्स एनी इंफॉर्मेशन प्रिंटेड और इम्प्लाइड बाय द शेप और डिज़ाइन ऑफ द पैकेजिंग और बाय द एप्लीकेशन ऑफ लेबल्स टू द पैक। लेबलिंग एक वो प्रेजेंटेशन होता है जिसमें कि जिस प्रोडक्ट के ऊपर उस लेबल को लगाया जा रहा है उसके इंफॉर्मेशंस को इंक्लूड किया जाता है। उनमें जो लेबलिंग होती है, जो पैकेजिंग है, उसके शेप के डिज़ाइन को ध्यान में रख के की जाती है और बाय द एप्लीकेशन ऑफ द लेबल्स टू द पैक मोस्ट करेक्टली करस्पॉन्ड टू द प्रोडक्ट कंसर्न्ड एंड मस्ट कंप्लाई विद द लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंट्री इन विच द प्रोडक्ट इज सोल्ड। ये इस तरीके से बनाई जाती है कि जो प्रोडक्ट है वो उससे रिलेटेड हो, जो भी लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट है पैकिंग की, लेबलिंग की, जिस कंट्री में फूड को बनाया जा रहा है, और सिर्फ ये नहीं कि जहाँ पे बन रहा है, जिस जगह पे उसको सोल्ड किया जा रहा है उस जगह की लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये सारी फुलफिल होनी चाहिए इन द केस ऑफ लेबलिंग। जनरल इंफॉर्मेशन, In many manufacturing units, there will be some combination of different product. बहुत manufacturing unit होती हैं जहाँ पे सिर्फ एक product नहीं होता है, बहुत सारे products का एक combination होता है। Different sizes of given product, जो product है उसके कई तरीके के size बनाए जाते हैं, and different versions of a given product, जो product है उसके बहुत सारे versions होते हैं। Versions की अगर बात करें, कैसे समझ सकते हैं, आप एक मोबाइल खरीदते हैं, कुछ ही दिनों में देखते हैं उसका नया वर्जन आ गया है। उसी तरीके से प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के भी कई सारे वर्जन बनाए जाते हैं, और ये जो नए वर्जन प्रोडक्ट के होते हैं इनमें कैसे कि जैसे आपने मोबाइल लिया उसमें तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, नया वर्जन हो गया, लेकिन अगर प्रोडक्ट है तो कोई उसमें कैसे नया वर्जन बन सकता है, ऐसे हो सकता है, बताती हूँ। वेरिएशंस इन कंपोजिशन, ब्रांडिंग और लैंग्वेज, जो कंपोजिशन है उस प्रोडक्ट का उसमें वेरिएशन आ सकता है, कुछ नया ऐड कर दिया जाए तो वर्जन तो उसका अपडेट ही हो गया, ब्रांडिंग को चेंज कर दिया जाए, या फिर लैंग्वेज में भी वेरिएशन करके नया वर्जन बनाया जा सकता है। एंड इट इज़ एसेंशियल टू इंश्योर दैट द करेक्ट सप्लाई ऑफ पैकेजिंग और लेबल इज सेलेक्टेड। ये ज़रूरी होता है इंश्योर करना कि जो पैकेजिंग है, जो लेबल है, उसकी करेक्ट सप्लाई को सेलेक्ट किया जाए। व्हेन अ न्यू पैक और लेबल डिज़ाइन इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर अ प्रोडक्ट, जब कभी नई पैकेजिंग या नया लेबल किसी भी प्रोडक्ट के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है, रेजिड्यूअल स्टॉक ऑफ द ऑब्सोलेट पैकेजिंग और लेबल शुड बी डिस्ट्रॉयड एट द डेजिग्नेटेड चेंज ओवर टाइम। जो बचा हुआ स्टॉक होता है पैकेजिंग का, उसको एक प्रॉपर किसी जगह को सेलेक्ट करके उस जगह पे ले जाके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इन द यूनाइटेड किंगडम एंड अदर यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट, जो यूनाइटेड किंगडम में है और यूरोपियन स्टेट के, यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर स्टेट्स हैं, मोस्ट फूड लेबल्स आर लीगली रिक्वायर्ड टू कैरी अ ड्यूरेबिलिटी इंडिकेशन। ज़्यादातर जो फूड होते हैं, फूड प्रोडक्ट होते हैं, उन पर ज़रूरत होती है कि लीगली उन पर एक लेबल लगाया जाए फूड का, जिसपे कि ड्यूरेबिलिटी को इंडिकेट किया जाए। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है कि कितने समय तक वो प्रोडक्ट सुरक्षित है यूज़ करने के लिए। तो ज़्यादातर प्रोडक्ट्स पे ये इंडिकेशन होता है, giving the date up to which the food can reasonably be expected
to retain its specific properties if properly stored. जो durability level होता है उस पर वो date होती है जिस date तक जो food है उसे उम्मीद की जाती है कि वो अपनी specific properties को gain करके रखेगा. और ये जो properties होती हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ specific properties तब हो कि कहीं भी रख दिया. लाइक आपने मिल्क को रख दिया खुले में और आप उम्मीद करते हैं कि वो डिनेचर ना हो. उसकी प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन तो होनी ही चाहिए कि अगर आपको मिल्क स्टोर करके रखना है तो आपको रेफ्रिजरेशन तो चाहिए चाहिए, क्योंकि प्रॉपर जब स्टोरेज कंडीशन आप नहीं देंगे उस केस में ये ड्यूरेबिलिटी वाली बात अप्लाई नहीं हो पाएगी. Plus a statement of any storage conditions which need to be observed if the food is to retain its specific properties until the date. और जो storage condition होती हैं, ठंडे में रखना है, गर्म में रखना है, कितने temperature में store करना है, ये ज़रूर होना चाहिए labeling पे. आपने देखे होंगे ज़्यादातर products पे ये information होती है कि best before कब तक उनकी manufacturing date क्या है, expiry date क्या है और कब तक कैसे टेम्परेचर में उनको स्टोर करना, ज़्यादातर में लिखा होता है स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस एट्सेट्रा. ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने. तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन ये भी लेबल पे रिक्वायर्ड होती है. डिटरमाइनिंग द ड्यूरेबिलिटी इंडिकेशन ऑन लेबल्स फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स कंसिडरेशंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल सेफ्टी और रिटेंशन ऑफ एक्सेप्टेबल ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज. जो ड्यूरेबिलिटी है, ड्यूरेबिलिटी इंडिकेशन है, इसका मतलब होता है कि जिस लेवल पे जो ड्यूरेबिलिटी उसकी लिखी गई है उस ड्यूरेबिलिटी तक, उस डेट तक जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो माइक्रोबायोलॉजिकली सेफ रहेगा, उसमें कोई माइक्रोबायोलॉजिकल कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. रिटेंशन ऑफ एक्सेप्टेबल ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टीज, जो ऑर्गेनोलेक्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसकी मेंटेन रहेंगी एज असेस्ड बाय सेंसरी एनालिसिस ऑफ केमिकल फिजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चाहे वो केमिकल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे माइक्रोबायोलॉजिकल हो, ये सारी प्रॉपर्टीज़ मेंटेन रहती हैं जो कि ड्यूरेबिलिटी दी गई है उस ड्यूरेबिलिटी तक. And in case of nutrition information including vitamin declarations, compliance with the amount declared. अगर vitamins वगैरह होती हैं तो उनके साथ में जो compliance होती है amount का, वो भी उस level पे declare होता है. क्योंकि आपने देखे होंगे ज़्यादातर जो product होते हैं उनमें कौन सा ingredient कितनी मात्रा में present है, ये चीज़ product के level पे mention रहती है. Some of the major requirements in the legislation that affect food manufacturers are follows. जो major requirements हैं legislation की जो कि food manufacturers को affect करती हैं, उनमें से कुछ यहाँ पे दी गई हैं. सबसे पहली है food pre-packed food. For pre-packed food, जो food ऐसे हैं जो pre-packed हैं, allergens must be emphasized in the ingredient list. उसमें कौन कौन से एलर्जन हैं इस चीज़ को वहाँ पे इम्फेसाइज करना चाहिए लेवल पे. जो इंग्रेडिएंट है उसी के साथ में एलर्जन का भी लेवल में नाम होना चाहिए और कैसे क्या वो अफेक्ट कर सकते हैं ये भी होना चाहिए. अ मिनिमम फॉन्ट साइज मस्ट बी अप्लाइड टू मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन. जो बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, ऐसा नहीं है कि उसको बहुत छोटा छोटा सा लिख दिया कुछ समझ ही नहीं आ रहा. कम से कम एक मिनिमम फॉन्ट साइज तो होना ही चाहिए. जैसे कि अगर मैं आपको जो स्लाइड्स दिखाती हूँ इन पर मैं बहुत ही छोटा छोटा सा लिख दूँ तो क्या आपको समझ में आएगा? बिल्कुल भी नहीं. इसीलिए मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन होती है जो उसके लिए मिनिमम फॉन्ट साइज होता है. जैसे कि अगर कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मैं हाईलाइट करके लाती हूँ उसको, कि उसको डार्क कलर से रिप्रेजेंट कर दिया जाए ताकि उस पर फोकस रहे. यही आता है अगर कोई मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन होती है उसके केस में. कंट्री ऑफ ओरिजिन COO इन्फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश एंड चिल्ड मीट फ्रॉम स्वाइन शीप गोट एंड पोल्ट्री. जो मीट की इंडस्ट्री होती है, जो स्वाइन शीप गोट पोल्ट्री इंडस्ट्री है, इनके लिए कंट्री ऑफ ओरिजिन की भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है.
कि किस कंट्री में जो शीप थी या जो मीट है वहाँ से लिया गया है, और ये इम्प्लीमेंट किया गया है EU रेगुलेशन नंबर 1337 2013 विच लेज डाउन रूल्स फॉर दिस रिक्वायरमेंट। एडेड वाटर ओवर 5% मस्ट बी डिक्लेयर्ड इन द नेम ऑफ द फूड। अगर 5% से ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है तो इसको भी इंडिकेट करना चाहिए, इसको भी डिक्लेयर करना चाहिए फॉर मीट प्रोडक्ट, और ये रहता है मीट प्रोडक्ट के लिए। एंड मीट प्रिपरेशंस दैट हैव द अपीयरेंस ऑफ अ कट ज्वाइंट स्लाइस पोर्शन और कारकेस ऑफ मीट। अगर कोई ऐसा पोर्शन है जिसमें कि कोई कट है, ज्वाइंट है, कोई भी स्लाइस है, तो इस चीज़ की भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू फिश प्रोडक्ट दैट हैव द अपीयरेंस ऑफ अ कट ज्वाइंट स्लाइस पोर्शन फिलेट और होल फिशरी प्रोडक्ट। ये फिश प्रोडक्ट के लिए भी अप्लाई होता है, सेम चीज़ें जो कि मीट इंडस्ट्री के लिए अप्लाई होती हैं। इफ़ अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस फूड फॉर सेल एट अ स्टेज प्रायर टू द फाइनल कंज्यूमर्स। अगर कोई मैन्युफैक्चरर है जो कि किसी फूड को सेल के लिए बनाता है, जबकि वो पहले उसके जो फाइनल कंज्यूमर्स हैं वहाँ तक पहुँचे, उससे पहले ही वो कुछ सेल के लिए अगर बनाता है, दैट इज़ थ्रू अ होल सेलर और टू क्रिएटर और अदर थर्ड पार्टी, किसी भी थर्ड पार्टी के यूज़ से, सो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरर टू इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन ऑन ऑल द मैंडेटरी पर्टिकुलर्स इज प्रोवाइडेड। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है मैन्युफैक्चरर की कि सारी इंफॉर्मेशंस जो कि ज़रूरी हैं, जो कि मैंडेटरी हैं, उन इंफॉर्मेशंस को प्रोवाइड किया जाए। नॉट ऑल द इंफॉर्मेशंस विल बी रिक्वायर्ड ऑन अ लेबल। ऐसा नहीं है कि जो लेबल है उस पर सारी ही इंफॉर्मेशन होगी। सारी इंफॉर्मेशन के लिए लेबलिंग की ज़रूरत नहीं होती है। लेबलिंग पे कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस होती हैं, एंड सम इंफॉर्मेशंस मे बी प्रोवाइडेड ऑन कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स। हर चीज़ लेबल पे नहीं हो सकती। छोटा सा प्रोडक्ट है, उस पर छोटा सा लेबल है, तो आप आखिर उसमें कितनी चीज़ें मेंशन कर देंगे। इसीलिए कुछ इंफॉर्मेशंस ऐसी होती हैं जिनको कि कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स पे प्रोवाइड किया जाता है, आइदर अकम्पनिंग द फूड और सेंट प्रायर टू डिलीवरी, जो कि या तो फूड के साथ में हो सकता है या डिलीवरी से पहले भेजा जा सकता है। द मैंडेटरी पर्टिकुलर आउटलाइंड इन आर्टिकल 9 ऑफ द EU रेगुलेशन नंबर 1169 2011 आर एज फॉलोज। जो मैंडेटरी पर्टिकुलर्स हैं, जो बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशंस हैं, उनमें से कुछ यहाँ पे दी गई हैं, एक नज़र डालते हैं उन पे। पहली है द नेम ऑफ द फूड। फूड का नेम क्या है ये होना चाहिए। द लिस्ट ऑफ द इन्ग्रीडियंट्स, कौन कौन सी चीज़ों से मिलके वो प्रोडक्ट बना है, इन्ग्रीडियंट की लिस्ट होनी चाहिए। एनी इन्ग्रीडियंट और प्रोसेसिंग एड लिस्टेड इन एनेक्स सेकेंड और डिराइव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस और प्रोडक्ट लिस्टेड इन एनेक्स सेकेंड कॉजिंग एलर्जीज और इनटॉलरेंसेस। अगर कोई ऐसा इन्ग्रीडियंट है जो एक एनेक्स सेकेंड है जिसमें कि सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कौन कौन सी चीज़ें एलर्जन है, या कोई अगर कोई दिक्कत कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म है या कोई चीज़ है, तो ऐसे केस में क्या होता है। यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरर और प्रिपरेशन ऑफ अ फूड एंड स्टिल प्रेजेंट इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट इवन इफ इट इज एन अल्टर्ड फॉर्म। अगर कोई ऐसे तरीके का प्रोडक्ट प्रेजेंट है तो उसको भी लिस्ट करना होता है लेबल पे, और चाहे वो प्रोडक्ट उसके अल्टर्ड फॉर्म में हो, चाहे उसका लेवल बहुत कम हो, लेकिन अगर वो फाइनल प्रोडक्ट में प्रेजेंट है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उसकी इंफॉर्मेशन लेबल पे दी जाए। नेक्स्ट आता है द क्वांटिटी ऑफ सर्टेन इंग्रेडिएंट्स और कैटेगरीज ऑफ इंग्रेडिएंट्स। क्वांटिटी कितनी है जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके अलावा किन कैटेगरीज में वो इंग्रेडिएंट्स हैं, इसको भी इन्वॉल्व किया जाता है। द नेट क्वांटिटी ऑफ द फूड इन द अप्रोप्रिएट यूनिट। जो फूड है उसकी नेट क्वांटिटी क्या है।
अब डिपेंड करता है कि फूड किस यूनिट में है, छोटा सा है तो मिलीग्राम में हो सकता है, ग्राम में हो सकता है, बड़ा प्रोडक्ट है केजी में हो सकता है और एमजी में हो सकता है। तो यही यूनिट्स दी गई हैं, उनका वेट जो है या तो केजी में, ग्राम में, मिलीग्राम में या फिर एमएल में, वॉल्यूम कोई भी चीज़ में, लीटर में, मिलीलीटर, सेंटीलीटर, सारी चीज़ें ये यूनिट्स का यूज़ करके जो फूड की क्वांटिटी है उसको भी लेबल पे मेंशन करना ज़रूरी होता है। द डेट ऑफ मिनिमम ड्यूरेबिलिटी और द यूज़ बाय डेट, जो मिनिमम ड्यूरेबिलिटी होती है कितने समय तक प्रोडक्ट सुरक्षित है, या यूज़ बाय डेट दैट इज़ कब तक उसको यूज़ कर लिया जाए, ये डेट बहुत मैंडेटरी होती है और ये डेट तो होनी ही चाहिए लेवल पे। नेक्स्ट आता है एनी स्पेशल स्टोरेज कंडीशन और कंडीशंस ऑफ यूज़। अगर स्टोर करने के लिए कोई स्पेशल स्टोरेज कंडीशन है तो वो भी मेंशन होनी चाहिए। इसके अलावा यूज़ उसको कैसे करना है, कंडीशंस ऑफ यूज़ भी मेंशन होने चाहिए एक लेवल पे। द नेम और बिजनेस नेम, जो मैन्युफैक्चरर है उसका नेम या फिर जो बिजनेस है उसका नेम, एंड एड्रेस ऑफ द फूड बिजनेस ऑपरेटर, जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है उसका एड्रेस क्या है, ये चीज़ भी लेबल पे मेंशन होनी चाहिए। द कंट्री ऑफ ओरिजिन और प्लेस ऑफ प्रोविनेंस वेर रिक्वायर्ड, जिस जगह पे ज़रूरी हो कि कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है या प्लेस ऑफ प्रोविनेंस क्या है, जैसे कि मीट इंडस्ट्री है, फिश इंडस्ट्री है, यहाँ पे ज़रूरी होता है कि कंट्री ऑफ ओरिजिन को भी लेवल पे मेंशन किया जाए। इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज वेयर इट वुड बी डिफिकल्ट टू मेक एप्रोप्रिएट यूज ऑफ द फूड इन द एब्सेंस ऑफ सच इंस्ट्रक्शंस, किस तरीके से यूज़ करना है इसके इंस्ट्रक्शंस भी लेवल पे होने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपको किस तरीके से यूज़ करना है। जैसे कि एक अगर एग्जांपल लें तो आप विक्स खरीदते हैं, विक्स को अगर आप उस पर लिखा नहीं होता, उस पर साफ साफ एक मेंशन होता है कि फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। अगर करंट सिनेरियो की बात करें, आप सैनिटाइज़र लेते हैं, क्या लिखा होता है उस पर, साफ साफ लिखा होता है फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, मतलब कि आप उसको खा नहीं सकते। और अगर आपको ये कोई चीज़ ना बताए तो क्या होगा, लोग गलत तरीके से उसको यूज़ करेंगे, सोचेंगे कि भाई सैनिटाइज़र है, सबको सैनिटाइज करता है, चलो पी लेते हैं थोड़ा सा। तो अगर अब्सेंस होगा ऐसे इंस्ट्रक्शंस का कि उसको यूज़ कैसे करना है, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि उसका अप्रोप्रिएट यूज़ कैसे किया जाए। इफ़ फूड नीड्स टू बी कुक्ड एट द लेवल मस्ट बी क्लियर इन दिस रिगार्ड, अगर फूड को कुक करना है, कच्चा नहीं खाया जा सकता, तो ये भी लेवल पे होना चाहिए। पर्टिकुलरली इफ़ द फूड रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ अ स्पेसिफिक टेक्निक, अगर किसी स्पेसिफिक टेक्निक की ज़रूरत होती है फूड को बनाने के लिए, जैसे कि ओवन की ज़रूरत है या माइक्रोवेव की ज़रूरत है, तो इस चीज़ का प्रॉपर इंस्ट्रक्शन लेवल पे ज़रूर ही होना चाहिए। नेक्स्ट आता है विद रिस्पेक्ट टू बिवरेजेस कंटेनिंग मोर देन 1.2% बाई वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल, द एक्चुअल एल्कोहलिक स्ट्रेंथ बाई वॉल्यूम, जो बिवरेजेस होते हैं एल्कोहल होते हैं इनमें कंसनट्रेशन कितनी है एल्कोहल की, ये चीज़ भी ज़रूरी होती है। एज वेल एज अ न्यूट्रिशन डिक्लेरेशन, न्यूट्रिशन कितना है ये चीज़ भी प्रोडक्ट के लेबलिंग पे ज़रूर होनी चाहिए। और ये सारी चीज़ें आपको याद करने में थोड़ा सा टफ लग सकता है, बहुत इजी टेक्निक बताती हूँ। आप कोई भी प्रोडक्ट उठाइए, जैसे कि बिस्किट का पैकेट ही एक ले लिया, उसका लेबल पढ़ डालिए, आपको पता चलेगा कौन कौन सी इन्फॉर्मेशंस उस पर दी हुई हैं। आजकल सैनिटाइज़र तो सभी के पास में होगा, बॉटल उठाइए, लेबल पढ़ डालिए, एक दो का लेवल आप पढ़ेंगे, आपको सब याद हो जाएगी क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनकी की ज़रूरत होती है लेबलिंग पे। The quantitative ingredient declarations labeling requirement applies to the labeling and marking of pre-packed food that is sold direct to the consumer or customer in its current packaging. Quantitative ingredient declaration एक labeling की requirement है, ताकि labeling पे जो food है उसकी quantity को mention किया जा सके,
अगर वो डायरेक्टली कंज्यूमर्स तक जा रही है या कस्टमर्स तक जा रही है करंट पैकेजिंग में, कि जिस पैकेजिंग में है उसी पैकेजिंग में उसको भेजा जा रहा है, तो क्वांटिटेटिव इंग्रेडिएंट डिक्लेरेशन होना ही चाहिए। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स। प्रिंसिपल की बात करें इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल सिस्टम की, तो ये है द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इंक्लूडिंग द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स फॉर स्टोरिंग एंड हैंडलिंग एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस और द यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन कंट्रोल ऑफ प्रोसेसेस और ऑपरेशंस does not in any way alter the need to observe the relevant principles set out in this guide। अगर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर्स का यूज कर किया जा रहा है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए या डॉक्यूमेंटेशन को हैंडल करने के लिए, तो जो कंप्यूटर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनकी प्रोसेसिंग या उनके ऑपरेशंस एकदम कंट्रोल्ड मोड में होना चाहिए। और किस प्रिंसिपल पे वो बेस्ड होंगे, कैसे कैसे होंगे, ये हम आगे भी देखेंगे कि किस तरीके से उनको स्टोर करना है, कैसे कंट्रोल करना है, तो एक प्रॉपर कंट्रोल्ड वे में होने चाहिए। तो अब आता है इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन। बिफोर अ कंप्यूटर सिस्टम इज पुट इनटू ऑपरेशन, जब एक कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेशन के लिए रखा जाए, उससे पहले ज़रूरी होता है द रिक्वायर्ड पर्पस शुड बी क्लियरली डिफाइंड। उसको किस पर्पस के लिए रखा जा रहा है ये पर्पस क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए एंड इट शुड बी टेस्टेड फॉर कैपेबिलिटी टू अचीव दैट पर्पस। और इसको पहले ही टेस्ट कर लिया जाना चाहिए कि जिस कैपेबिलिटी के लिए, जिस काम के लिए उसको रखा जा रहा है, वो प्रॉपरली कर भी पा रहा है या नहीं। नेक्स्ट आता है एक्सेस टू डेटा एंड डॉक्यूमेंट्स शुड बी रेडिली ऑब्टेंड बाई ऑथराइज्ड पर्सन व्हेन नेसेसरी। अगर डेटा और डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर उनका एक्सेस लेना है, तो उनको जो ऑथराइज्ड पर्सन है उनसे परमिशन के बाद में ही एक्सेस करना चाहिए, जब कभी भी नेसेसरी हो। The risk of unauthorized access to computer system should be considered as part of the threat analysis critical control point। Risk assessment। अगर कोई भी रिस्क होता है, कोई अनऑथराइज्ड तरीके से, इलीगल तरीके से आपके कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस कर रहा है, तो ये एक वर्क होता है थ्रेट एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट रिस्क असेसमेंट का, कि पहले से ही रिस्क कितना है इसको एसेस कर लिया जाता है और उसके बाद में उसको कम करने की या प्रिवेंट करने की कोशिश की जाती है बाय द थ्रेट एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। अब आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सिस्टम। सिस्टम्स के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। द यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटा कंट्रोल सिस्टम डज नॉट चेंज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो कंप्यूटर्स हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा कंट्रोल सिस्टम्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को चेंज नहीं करते। एज अ सेट आउट एल्सवेयर इन दिस गाइड ऑफ की पर्सनल्स बट एडिशनली रिक्वायर क्लोज कोलैबोरेशन बिटवीन देम एंड दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्यूटर सिस्टम। ये डिपेंड करता है जो की पर्सनल्स वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जो लोग वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, उनके कोलैबोरेशन पे डिपेंड करता है कि वो लोग कितना साथ मिलकर कितने अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, और वही लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंप्यूटर सिस्टम की प्रॉपर ऑपरेटिंग के लिए। Where this responsibility lies should be clearly stated। अगर ये responsibility पूरी नहीं होती है तो इस चीज़ को clearly state करना चाहिए। Person using an electronic system should be appropriately trained in its use। जो person लगाया गया है electronic system को use करने के लिए, उसके लिए proper training होनी चाहिए, वो properly trained होना चाहिए कि सिस्टम को किस तरीके से यूज़ करना है। एंड शुड बी एबल टू ऑब्टेन रैपिड एक्सपर्ट एडवाइस, और उसको रैपिड एक्सपर्ट एडवाइस भी मिलनी चाहिए टू डील विद एनी प्रॉब्लम्स दैट माइट अराइज इन इट्स यूज़। अगर कोई भी यूज़ के दौरान कोई भी प्रॉब्लम अराइज होती है, तो उसके लिए उसको रैपिड एक्सपर्ट एडवाइस भी मिलनी चाहिए।
कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू द यूज ऑफ रीड ओनली फाइल्स. ज़्यादातर फाइल्स को रीड ओनली मोड में बनाया जाना चाहिए बाई दोज हु कैन एक्सेस बट डू नॉट हैव अथॉरिटी टू अल्टर और एम्ड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट सच एज पॉलिसीज प्रोसीजर्स एंड वर्क इंस्ट्रक्शंस. रीड ओनली फाइल्स वो होती हैं जिनमें कि कोई भी एडिटिंग नहीं की जा सकती, सिर्फ उनको पढ़ा जा सकता है. तो ज़्यादातर फाइल्स इसी मोड में होनी चाहिए ताकि कोई भी उसको एक्सेस करके उसमें किसी पॉलिसी, किसी प्रोसीजर को या किसी भी वर्क के इंस्ट्रक्शन को चेंज ना कर पाए. नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी. अल्टरेशंस टू द सिस्टम और अ कंप्यूटर प्रोग्राम शुड बी मेड ओनली विद प्रॉपर ऑथराइजेशन एंड इन अकॉर्डेंस विद अ डिफाइंड प्रोसीजर. अगर कोई भी अल्टरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है सिस्टम में या कंप्यूटर प्रोग्राम में तो ये प्रॉपर ऑथराइजेशन और एक डिफाइंड प्रोसीजर के थ्रू होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि किसी को भी बुलाया और उसको प्रॉपर प्रोग्रामिंग करवा दी. जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं उसके लिए प्रॉपर ऑथेंटिक लोग होने चाहिए. प्रॉपर ऑथराइजेशन के बाद में ही डिफाइंड प्रोसीजर के फॉर्मेट में उसकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए सिस्टम को ठीक कराया जाना चाहिए. एंड विच शुड इंक्लूड द चेकिंग अप्रूविंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द चेंज. जो ऑथराइज्ड पर्सन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको चेक करेंगे, अप्रूव करेंगे और चेंजेस को इम्प्लीमेंट करेंगे. By means of the appropriate keys, passcards, personal code or passwords and restriction of access to computer terminals and recording media, the system should contain safeguards against unauthorized access to or alteration of any data. जो appropriate keys होती हैं, passcard होते हैं, code होते हैं, passwords होते हैं, इन सब के थ्रू जो कंप्यूटर का डेटा है उसको सुरक्षित रखने की कोशिश की जानी चाहिए ताकि कोई भी अनऑथराइज एक्सेस ना हो सके या फिर किसी भी डेटा में किसी भी तरीके का कोई अल्टरेशन ना कर सके. व्हेन क्रिटिकल परफॉर्मेंस डेटा आर बीइंग इंटर्ड ऑन अ कंप्यूटर फाइल रिकॉर्ड. जब क्रिटिकल परफॉर्मेंस डेटा को इंटर किया जा रहा हो कंप्यूटर फाइल रिकॉर्ड में, देयर शुड बी एन इंडिपेंडेंट चेक ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द एंट्री. अब अगर डेटा को रिकॉर्ड कर दिया गया है उसके बाद में उसकी प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए कि जो एंट्री की गई है वो कितनी एक्यूरेट है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बैकअप. जो इंपॉर्टेंट डेटा है उनका बैकअप तो हमेशा होना ही चाहिए. सो देयर शुड बी अवेलेबल एडिक्वेट बैकअप अरेंजमेंट्स फॉर एनी सिस्टम. बैकअप अरेंजमेंट का मतलब होता है कि कंप्यूटर फाइल्स आपकी कंप्यूटर में तो पड़ी ही हैं, उनके साथ में ही वो आप इंटरनेट पे भी स्टोर कर सकते हैं या कहीं और भी किसी हार्ड ड्राइव में किसी भी में बैकअप ले सकते हैं किसी भी सिस्टम के लिए. दैट नीड्स टू बी ऑपरेटेड इन द इवेंट ऑफ अ ब्रेकडाउन और इमरजेंसी. कभी ऐसा होता है वो सिस्टम में ब्रेकडाउन हो गया है, कोई इमरजेंसी केस हो, तो ऐसे केस में इन बैकअप फाइल्स का यूज़ किया जा सके. And such backup arrangements should be capable of being called into use at short notice. अब इन backup arrangements का use कब और कहाँ और कैसे करना है इसके लिए proper notice होने चाहिए. short notices के form में ये पता होना चाहिए कि कब आप इन backup arrangements का use कर सकते हैं, आपको किस तरीके से use करना है और किसके पास में इसका access रहेगा in the emergency situation. सो थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस सेशन. अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से लिंक पे जाके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. फॉलो करिए ITLS Academy को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एज वेल एज सब्सक्राइब करिए ITLS Academy के यूट्यूब चैनल को. और आप ITLS Academy का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. Like this video, share with your friends and also subscribe to our YouTube channel. अगर आपको किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है या कोई हेल्प चाहते हैं तो कॉल कर सकते हैं आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे, जो कि है 7080833450. So thank you very much everyone. Thank you again for watching this session. Stay connected with ITLS Academy. Stay safe. Take care.